हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी शाम के 4:30 हो गए हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर पे पेंट होने लग रहा है। तो हमारे घर पे 5-6 साल हो गए थे, पेंट ही नहीं हुआ था। मतलब हुआ तो हुआ था लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था और कई जगह सीलन आ गई थी क्योंकि साइड में भी घर बनने लग रहा है। तो इसलिए हमने दोबारा पेंट करवाया है। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा घर देखो ऐसे फैला हुआ है। और जैसे माँ के कमरे यानी हमारे दादी दादा के कमरे में पेंट हो गया, हमारे कमरे में हो चुका है। और जो हमारा ड्राइंग रूम था उसमें भी हो चुका है, बस थोड़ा सा सामान वगैरह लगाना बाकी है। और ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे अभी होने लग रहा है। और अभी बाहर आ रही है बहुत तेज बारिश। तो देखो पूरे घर में फैलावा हुआ हुआ है, देखो सारी जगह है, कुछ ना कुछ पड़ा है। ये देखो आप ये देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये वहाँ क्या है किचन का। और ये देखो ये डाइनिंग टेबल तो पूरी भर गई है रसोई के सामान से क्योंकि उसको पूरा खाली किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो बारिश कितनी तगड़ी बारिश आई है और ये एकदम से आई है, ये देखो। और जो वो यहाँ पे सीलन सी आई हुई थी वो उसके ऊपर पुट्टी लगा दी है। हेलो कर दो कर दो, आप भी कर दो। और यहाँ पर ये मिस्त्री अंकल है। और आप ही यहाँ पे देखो वो चिक हुआ करती थी उसको उतार दिया है, वो देखो वो वहाँ पे पड़ी है। और ये देखो क्या मस्त बारिश आ रही है। गाइस एक शॉट लेने के लिए मैं भी पूरा भीग चुका हूँ, आप ये देख सकते हो। और बारिश रुक भी नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है बारिश, और बल्कि बढ़े जा रही है बारिश। और ये शायद से इस साल की लास्ट बारिश हो मॉनसून की, और इसके बाद ठंड भी हो जाएगी तो फिर कूलर वगैरह नहीं चलेंगे। तो ये देखो क्या मस्त मौसम हुआ हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर बैठ के। और गाइज आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो उसका कारण ये है कि अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, सितंबर के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम। तो कल मेरा इंग्लिश ग्रामर का पेपर है, तो छोटा पेपर है इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। और ये देखो कैमरा कैसा हो गया, पहले कैमरा साफ़ कर लेता हूँ। टी शर्ट से ही कर लिया मैंने कैमरा साफ। और ये जो हमारे घर में पेंट होने लग रहा है ये अभी हुआ है, बस 5-6 दिन से हो रहा है ये पेंट, पर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। हेलो गाइस, तो अभी मैं बारिश में नहा रहा हूँ और अर्नव नहीं नहा रहा है बारिश में, आ जा तू भी नहा ले। तो इसको नहीं नहाना है, कोई अलग ही फीलिंग आ रही है, बहुत मस्त है ठंडी ठंडी बारिश। तो गाइस अभी मैं नहा लिया हूँ बारिश में और पूरे 2 घंटे इतनी धमाकेदार, मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई थी और पूरे 2 घंटे बाद अब बंद हो चुकी है फाइनली। तो अभी मैं अंदर जाके नहा के आता हूँ साबुन से बाथरूम में, तो मैं मिलता हूँ आपसे नहाने के बाद। तो गाइज अभी मैं नहा के आ गया हूँ और गाइज अभी मैं नहा के समोसा खा रहा था, पापा समोसा लेके आए थे तो बारिश की वजह से लेके आए थे समोसा, और काफ़ी टेस्टी है समोसा। और मैं व्लॉग बनाना ही भूल गया था, मतलब यही मैं एकदम से खाने लग गया तो मेरे को याद नहीं रहा, तो आधा मैंने अभी खा लिया है। अभी शाम के 6 बज गए हैं और आप मौसम देख सकते हो और हल्की हल्की सी बारिश दोबारा आने लग गई है। और यहाँ पे दुलारी बुआ और माँ बैठे हैं। तो गाइज अभी मैं अंदर आ गया हूँ
तो अभी मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो चलो अभी पढ़ते हैं हम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डोसा खाने, और अभी 7:30 हो गए हैं, और आज हम डोसा खाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पेंट होने लग रहा है। तो मतलब अब तो वैसे मिस्त्री चले गए हैं सारे, पर किचन अभी अच्छे से सेट नहीं हुई है तो खाना नहीं बन सकता। तो अभी हम बस जा रहे हैं डोसा खाने, तो अभी चलते हैं, चलो डोसा खाने। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो अभी शाम को बारिश हुई थी, इसलिए देखो पानी भरा हुआ है सारी जगह। और जो माँ और डैडी है वो डोसा खाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि माँ और डैडी कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं है, बोल रहे हैं कि बस हमने जो दोपहर को मतलब शाम को हमने समोसा खाया था जो, उसके बाद हमें मन नहीं कर रहा, तो इसलिए माँ और डैडी नहीं जा रहे हैं, बस मैं मम्मी अर्नव और पापा जा रहे हैं। वैसे हमने कहा था कि आप भी चल लो पर उन्होंने मना कर दिया। और गाइस वैसे हमें पड़ोसियों ने ऑफ़र किया था खाना, पर हमने सोचा कि पेंट के वजह से हम भी ट्रीट ले लेंगे, और वैसे पापा थोड़े कंजूस से भी है तो इसकी वजह से ट्रीट सी हो जाएगी अपनी। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है सिर्फ इस शॉप के लिए। ये करनाल की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है डोसे के लिए। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो अभी हमारा डोसा आ गया है। अभी हम खा के चल चुके हैं यहाँ से, तो चलो अभी घर चलते हैं। तो गाइज ये है करनाल की नाइट मार्केट, और हमने आपको पहले भी दिखाई थी, और ये देखो ये पूरी उजड़ गई है ये मार्केट। देखो यहाँ पे आई लव करनाल लिखा हुआ था, और वो अब सब कुछ गायब हो गया है यहाँ से। और ये मार्केट एक महीना भी ठीक से नहीं चल पाई क्योंकि यहाँ पे एक तो फूड की वैरायटी जो थी उसमें ज़्यादातर मीट या फिर नॉन वेज ही था, तो फिर जो वेजिटेरियन लोग थे वो आते नहीं थे, तो फिर मेरे हिसाब से शायद करनाल में वेजिटेरियंस ज़्यादा है नॉन वेज से, तो इसलिए मार्केट ज़्यादा नहीं चल पाई।